श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में तो यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए, हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धे अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है, इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है, तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ, फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए, तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके डेढ़ साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया, और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई, और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना, सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके भूरत होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे, और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे, तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए, उसका आजत बजट पेश होता था, जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था, और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है, उसने बजट को ही खत्म कर दिया, तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया, इन सब चीजों को तो यादें नहीं रखेंगे, तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई, और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे, और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, हम तो कुछ कहते नहीं है, हमको उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको कह रहे हैं। यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती, तो जितने लोग सदस्य थे एमपी और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे, और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी, और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब वो तो बिल्कुल अलग हो गया। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले, आपने अपनी बात तो बताई ना, ये तो हम अपनी बात बता दिए आपको। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा, तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, तंत्र में स्वीकार किए, तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी, नहीं तो एक एक चीज बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है, रेल है, और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लोगों की सुविधा किससे है, उसी पर ना चलते हैं लोग, तो ये तो बहुत आवश्यक चीज है,
लेकिन उसको छोड़ करके आ लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा चीज आप समझ लीजिए, ये लोग को जितना पुराना सब चीज है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे।